नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो इलेक्शन के हवाले से आ रही, जिस पर विपक्षी दल लगातार आवाज उठा रहे और आम जनता भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि कब होंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, ताकि उन्हें अपना मनमर्जी का रिप्रेजेंटेटिव मिले, जो कि हालात जम्मू कश्मीर के हैं, कोई उनकी आवाज को आगे रखने वाला हो। पूरी खबर क्या है अब ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है तरुण चुग, उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्रीय शासित प्रदेश में यानी के विधानसभा चुनाव जल्द होंगे और लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से भगवा पार्टी यानी के भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी। ये तो फिलहाल जनता पर निर्भर है कि जिस तरह के हालात हैं हम कवर करते हैं। शायद तरुण चुग जी तक ये सारी बातें नहीं पहुंच रही होंगी या पहुंचती भी होंगी, पर कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हर समय मोदी लहर काम नहीं कर सकती, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर आगे किस तरह का काम किया जा रहा है, जनता तक वो सुविधाएं, वो मूलभूत सुविधा उन तक मिल रही है जो जनता के लिए सरकार से आ रही है, ये भी बड़ा ध्यान देना जरूरी है। तरुण चुग ने कहा कि कश्मीर मामले के लिए पार्टी प्रभारी भी है, लोगों के धैर्य रखने का, लोगों से धैर्य रखने का यानी सब्र रखने का, पेशेंस रखने का आग्रह किया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। ये तरुण चुग जी ने पहले भी कहा था, अब कितनी जल्द होगे वे तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में मुफ्ती, अब्दुल्ला, नेहरू और गांधी सहित तीन परिवारों के प्रति नफरत की भावना बढ़ गई है, पर अब लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तरुण चुग जी से निवेदन करते हैं, वो प्रदर्शनों में किस तरह के लोग नारेबाजी करते हैं जरा उन पर भी ध्यान दीजिए। और जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 70 वर्षों तक उनका शोषण किया है, यानी उनका कहना है कि लोगों में रोष है, रोष प्रदर्शन है, मुफ्ती अब्दुल्ला, नेहरू, गांधी सहित तीन परिवारों के प्रति नफरत है, जिसके चलते वो ये कह रहे हैं 70 सालों तक उन्होंने आम जनता का शोषण किया है। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि 70 वर्षों तक जम्मू कश्मीर को लूटने के अलावा इन परिवारों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को पेन और कंप्यूटर के विकल्प के रूप में पत्थर, बम और AK-47 की पेशकश की है। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि पत्थरबाजी पर केंद्र सरकार ने लगाम लगाई है, आतंकवाद का भी आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो रहा है, पर उसी के चलते ध्यान ये भी देना होगा कि वाकई एक तरफ से अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद आम जनता, खास करके जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता भी अब सड़कों पर उतरने लगी है। तरुण चुग ने यह भी कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील और अनुरोध करता हूं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखें। तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पर पहले भी विश्वास जनता ने भरपूर और झोलियां भर भर कर वोट दिए थे, क्योंकि चेहरा जो थी नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी का था, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से वायदा किया था वो कभी उन्हें निराश नहीं होने देंगे। इसी के चलते प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसे आज तरुण चुग कह रहे हैं भगवा पार्टी। उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि अनुरोध किया जनता पर कि मोदी सरकार पर भरोसा रखें, जिनका एकमात्र उद्देश्य गरीबी यानी कि खत्म करना है। पर जनता तो तरुण चुग जी ये नारे लगा रही है कि आप लोग तो गरीबों को खत्म करने के ऊपर तुले हैं, जबकि अन्य का उद्देश्य शांति खत्म करना था। तरुण चुग ने कहा, पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से ये बात करते हुए तरुण चुग जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन पार्टियों को सिर से खारिज कर दिया है और भाजपा में अपना पूरा विश्वास जताया है। बिल्कुल आपने सही कहा तरुण चुग जी, और जनता भी समय सुन रही है। बिल्कुल जनता ने पूरा प्रचंड बहुमत के साथ आपको केंद्र में बिठाया, क्योंकि जनता ने पूर्ण विश्वास जताया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पर आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बाकी पार्टियों को खारिज किया, अब ये ना हो अगला नंबर भाजपा का हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वह जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति बहाल करने में सक्षम है। बिल्कुल आप कोशिश कर रहे हैं, पर जनता जो सड़कों पर है, क्या वो शांति का प्रतीक नजर आ रहा है? जिला विकास चुनाव को इन बात का प्रमाण बताते हुए कि भाजपा जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने में सफल रही है। तरुण चुग ने कहा कि डीडीसी चुनाव के दौरान 5 लाख लोगों ने गुप्कार गठबंधन के खिलाफ मतदान किया, जो स्पष्ट रूप से भगवा पार्टी के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। बिल्कुल तरुण चुग जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने अपना प्यार जताया जिस तरह से डीडीसी के इलेक्शंस में, पर वहीं पर आपने उन्हें क्या दिया, यानी कि आपने कहा कि उनके प्रति प्यार दर्शाता था,
आप भी तो प्यार दर्शाते जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जिस तरह आज स्मार्ट मीटर को लेकर, टोल प्लाजा को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जनता लगातार परेशानी के आलम में है और सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन जो 1000 रुपया था वो भी अपने बंद कर दिया। ये ना हो कि जहां पर बाकी पार्टियों की लाइन लगी थी, नकारा था सिरे से, कहीं आने वाले समय में भाजपा को भी इस हार का मुंह ना देखना पड़े। और वहीं पर तरुण चुग जी ने कहा कि वह दिन गए जब वह जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते थे, यानी साफ तौर पर निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और साथ ही साथ कांग्रेस पर था, यानी कि सादा है। इन परिवार ने 70 वर्षों तक जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया। उन्होंने विदेशों और भारत के अन्य राज्यों में महिलाओं का, यानी महलों का निर्माण किया, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे गरीब बने रहे। इनकी डाइनिंग टेबल बिरयानी और अन्य कर्तव्यों से भारी रहती थी और जम्मू कश्मीर के लोग भूखे रहते थे। वह अब बदलाव चाहते हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी ने प्रधानमंत्री के मन की बात को 100वें एपिसोड को सुना और जिसमें पीएम के बारे बार बार जम्मू कश्मीर के बारे में बात की। ये तरुण जी के बयान थे कि जल्द ही असेंबली इलेक्शन होंगे। अब कब होंगे कोई भी समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि पहले भी इन्होंने ये बयान दे चुके हैं और साथ ही साथ ये बताएंगे कि जिस तरह से तरुण चुग जी ने अपना विश्वास जताया है कि प्रचंड बहुमत के साथ, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिसे वो कह रहे हैं भगवा पार्टी को अपनाया। भगवा देश की शान है, भगवा जो रंग है वो, उस भगवे रंग के लिए हमारे कई वीर योद्धाओं ने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाई है। उसमें किसी नेतागण की कोई भागीदारी नहीं है, ये आप ध्यान से सुनिए। और साथ ही साथ आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कोई इसमें दोराहे नहीं है, पत्थरबाजी पर लगाम हुई, आतंकवाद का लगाम कसने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी श्रेय जाता है। और उसी के साथ साथ आप बात कर रहे हैं कि जम्मू की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने भरपूर प्यार दिया है, अब आपने बदले में क्या दिया, जरा इस पर ध्यान दीजिए। लगातार टोल टैक्स के नाम पर जनता को साथ लूट मार की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स आपने रातों रात जनता पर थोप दिया। जनता का आक्रोश सामने आया, पर उसके बावजूद भी अगर केंद्र चाहे तो जनाब कोई भी फरमान लागू हो सकता है। माना आप कह रहे हैं 70 सालों में वो नहीं हुआ जो अब हो रहा है, पर 70 सालों में इतनी महंगाई, 70 सालों में इतनी बेरोजगारी, 70 सालों में इतने कर, यानी कि फरमान जनता पर भी नहीं थोपे गए। पुरानी सरकारों ने गलतियां की, पर जहां कमियां रही तो पुरानी सरकारों को आम जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने उनकी जगह बता दी। तो क्या लगता है भाजपा को जनता ये बख्शेगी, जिसके चलते आज जनता टोल टैक्स पर लेकर परेशान है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, सबसे बड़ी मार प्रीपेड मीटर्स को, स्मार्ट मीटर्स को लेकर, यानी पहले डिजिटल मीटर आते हैं फिर स्मार्ट मीटर आते हैं, उसके साथ आपको वो भी पसंद नहीं आते, आप प्रीपेड मीटर के माध्यम से जनता की जेबों से एडवांस पैसा निकालने की फिराक में है, यानी किस तरह का निजाम चला रहे हो। और अभी भी आप कह रहे हैं बड़े शौक से जल्द इलेक्शन हो गए। अब की बार लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा लखनपुर पार, जहां पर बाकी सरकारों को दिखाया। आप देखिए हालात जम्मू कश्मीर के, इन पर भी गौर कीजिए। जनता ने आपको झोलियां भर भर कर, बाकी पार्टियों को नकारा, कोई दोराहे नहीं, आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने झोलियां भर भर कर वोट दिए। आज वो 25 विधायक कहां पर है, वो 25 विधायक दिखते जरूर है हमारी जनता को, किसी सैलून की इनॉग्रेशन करते हुए, किसी गीत की इनॉग्रेशन करते हुए, इन जगहों पर वो जरूर मिलेंगे, पर वहीं पर दुबक कर मुंह छुपाते भागते फिरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया में, हमारे जो मीडिया है वो सवाल जरूर मीडिया कर्मी करेंगे तो उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो किस तरह से वो रुकेंगे। कई बार वो अभद्र व्यवहार भी करने पर उतर आते हैं, जवाब उनके पास होता नहीं। तो इसी तरह से तरुण चुग जी के इस बयान पर हमारी जनता क्या अपने सुझाव रखेगी, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। कि तरुण चुग जी ने कहा कि जनता ने पूरा प्यार बरसाया जम्मू कश्मीर के, जनता ने भाजपा पार्टी पर, क्योंकि भाजपा ने ही 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अब किया है, विकास हुआ, खुशहाल है जनता। और जनता खुशहाल कैसे है, आप आए दिन भगवती नगर में, विक्रम चौक पर, जीवल में, जहां पर भी आप देखेंगे, नई बस्ती में आप लोगों का प्रदर्शन जरूर एक बार देखिए, क्योंकि आज के दौर में डिजिटल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर आपको साफ कारकर्दगी आपको दिखेगी कि जनता अब जड़ से निखार रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नोटा का बटन दबाना मंजूर है, पर इस बार भाजपा को लाना जरूरी नहीं है, ये हम नहीं आम जनता के रिव्यूज है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रही ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।